पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव तारिक अनवर ने मंगलवार को बराड़ी एवं कुर्सेला के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुखासन के वैसा गोविंदपुर, रानी चौक, मोहना चांदपुर, सिसिया, कानगर, राजा पाखर, हरीशपुर, सीज टोला एवं बराड़ी के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का काम किया। साथ ही ऑन द स्पॉट लोगों का समस्या के निदान के लिए जिला पदाधिकारी कटिहार एवं संबंधित पदाधिकारी से बात कर लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की बात कही। राहत मिला है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। पैसा भी नहीं आया खाता में ना। क्या की बात करते हैं, दो दिन चेक कर लिया, कोई पैसा नहीं। ये क्या हो गया जी? ने अंदर गांव में लगा था ये रसोईया, रसोईया व्यापारी, व्यापारी और किसको भजा रहा था जो मां को पॉलिटिकली 100 रुपया का जो जिले का दौरा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी बाढ़ आया है हर प्रखंड में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम हम लोग का पूरे बराड़ी विधानसभा का है, यहाँ से कुर्सेला तक हम लोग जाएंगे और जो भी प्रभावित लोग हैं उनसे मिलेंगे। और इसके साथ साथ हम इस बात की समीक्षा भी करेंगे कि जो अभी तक राहत कार्य हुआ है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, वो संतोषजनक है या नहीं, और जहाँ जो कमी हम महसूस करेंगे उसको जिला मुख्यालय में या जिला पदाधिकारी के समक्ष उसको रखेंगे और लोगों को समय पर ठीक ढंग से राहत मिले, यही हम लोगों का प्रयास है। तो क्या लगता है कितनी किस तरह से अभी कई शिकायतें मिली हैं हम लोगों को पूरे जिले के दौरे में? एक तो पॉलीथीन बहुत कम लोगों को मिला है, सूखा राशन बहुत कम लोगों को मिला है, जीआर की जो राशि है वो अभी तक लोगों के खाते में नहीं पहुंची है, करीब 30-40% लोग अभी उससे वंचित हैं। और उसी तरह मेडिकल की जो उपकेंद्र होना चाहिए या महामारी से बचाने के लिए जो उपाय होना चाहिए वो भी बहुत पर्याप्त नहीं है। और कई परिवार जो डूब के मरे हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं। हाँ, जिनको जो लोग डूबे हैं उनके मुआवजे की भी हमने मांग की है और उनके परिवार से भी हम मिले हैं। कई जगह ऐसी घटना हुई है तो उसको हमने प्रयास किया है कि ऐसे तमाम जो प्रभाव जिनके बच्चे या जिनके परिवार के लोग पानी में डूबे हैं उनके घर पर जाकर उनको सद्भावना देने का काम भी हमने किया है। और कई जेन्युइन परिवार छुटे हैं जो बाढ़ से ग्रस्त हैं, उनका नाम कहीं नहीं है। बिल्कुल, इस बात की भी शिकायत हम लोग को मिली है कि बहुत गरीब परिवार जो उपेक्षित हो गया है उनको भी राहत मिलनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग कहा है कि जो भी स्थानीय मुखिया है उनसे भी हमने कहा है कि वो एक सूची बनाकर हमको दे कि ऐसे कितने लोग जो राहत से वंचित रह गए हैं उनको राहत दिलाने का काम हम लोग करें।